प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपकी जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली डाउन हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डाउन हो रही है, जबकि मैं वॉल्यूम बटन प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी जो है वॉल्यूम डाउन हो रही है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो है हो रही है वॉल्यूम डाउन। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी जो पावर बटन आप वॉल्यूम बटन प्रेस नहीं कर रहे फिर भी जो है आपकी वॉल्यूम अप डाउन हो रही है, कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे जाना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको हियरिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो। अगर आपकी ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर देना है। मोनो ऑडियो ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है, और आपको जो अपने फोन को सेफ मोड पे जो है रिबूट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कर रखना होगा, और आपको अपने फोन को जो है स्विच ऑफ कर देना होगा। स्विच ऑफ करने के बाद आपको अपने मोबाइल की पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को जो है एक साथ प्रेस करके रखना है, जब तक यहाँ पे लोगो नहीं दिख जाता है आपके फोन पे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रेस करके रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके फोन में लोगो दिखेगा। अगर आपके पास पोको एम आई रेडमी का फोन है, सेम प्रोसेस है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सेफ मोड कर देना है। तो गाइस यहाँ पे अगर आपकी टच वर्क कर रही तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर टच वर्क नहीं कर रही है तो आपको सेफ मोड पे रिबूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम से आप डाउन से आप नीचे ला सकते हैं, और वॉल्यूम अप से आप ऊपर ला सकते हैं, और पावर बटन से आप ओके कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टच वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पे टच वर्क नहीं करती है, तो इसके लिए आपको सेफ मोड पे ले जाने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन आपको प्रेस करना होगा, और सेफ मोड पे जाने के बाद आपको पावर बटन प्रेस करना होगा। जैसे आप ये पावर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो मोड है वो सेफ मोड में, मतलब फोन जो है सेफ मोड में रिस्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली मेरे फोन में जो है सेफ मोड इनेबल हो चुका है। सेफ मोड इनेबल हुआ है या नहीं इसे आप किस तरह से पता कर सकते हैं, कोने में आपको सेफ मोड देखने को मिलेगा। अगर सेफ मोड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि सेफ मोड आपके फोन में एक्टिवेट हो गया है। तो जैसे ही सेफ मोड एक्टिवेट होगा तो आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशंस होंगे और जो मतलब आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि डिलीट हुए हैं, आपके बस हाइड हो जाएंगे। अब ये करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम वही आ रही है या फिर ठीक हुई है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, और गाइस जैसे आप सेफ मोड में आएंगे तो आपका एरोप्लेन मोड ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, तो एक बार आपको इसे बंद कर देना है। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसे आपको क्या करना है, आपको दोबारा से इसे बंद करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना होगा और रिबूट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे आप रिबूट कर देंगे तो आपका ये सेफ मोड है वो बंद हो जाएगा, रिस्टार्ट करने के बाद आपका उस सेफ मोड को बंद कर देना है। इसके बाद आपको ट्राई करना, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सेफ मोड अभी हट रहा है। तो गाइस फोन ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ, और इसके बाद अब आपको चेक करना है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर इसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो आपको अपने फोन में जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको अबाउट फोन में जाना है, और आपको अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। मेरे फोन में अभी इतनी MB नहीं है, तो आपका अपडेट आया होगा, आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है नहीं हुई है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और गाइस इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं फिक्स होती है तो हो सकता है कि आपका मतलब आपकी बटन डैमेज हो सकता है कि आपका फोन जो है कहीं गिर गया हो, इस वजह से जो है ये बॉडी दबी हो, जिस वजह से आपके जो वॉल्यूम बटन जो है ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हो, या फिर आपकी वॉल्यूम बटन डैमेज हो, जिस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वॉल्यूम अप डाउन प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं, वहां पे आप दिखा सकते हैं, इस चीज को आप घर पे नहीं कर सकते। सर्विस सेंटर पे जाने से पहले ना आपको एक चीज और करनी है, आपको अपने फोन को जो है रीसेट कर लेना है। रीसेट करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो रीसेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और नीचे आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे उसके बाद आपको फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है, उसके बाद इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जिसके बाद आपका जो रीसेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे ना एक चीज़ बता दूँ, इस प्रोसेस में ना आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, जैसे फोटोज़ वीडियोज़, तो ये चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी।
तो इसका आपको बैकअप बना लेना है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, रीसेट कर लेना, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर गाइस इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, आपकी कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है।